टेक्टोर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं दो बजट फोन्स के कैमरा कंपैरिजन जो कि है Redmi 4 और Redmi 5 है। तो चलिए कर लेते हैं इसका कैमरा कंपैरिजन और देख लेते हैं किसका कैमरा है बेहतर। तो नमस्कार दोस्तों, टेक्टोर इंडिया में आपका स्वागत है, मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक वीडियो कंपैरिजन टेस्ट है बिटवीन द Redmi 5A एंड द Redmi 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फोन है वो Redmi 5A है और राइट हैंड साइड में जो फोन है वो है Redmi 4। तो आप इसका क्वालिटी का अंदाजा लगा, ये फुल HD में रिकॉर्ड कर रहा है अपने 30 MP कैमरा से और आप इन दोनों का नॉइस कैंसिलेशन का अंदाजा लगा सकते हो कि कौन ज्यादा बेहतर है। दोनों में काफी ज्यादा नॉइस और दोनों में कोई स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है तो काफी शेकी वीडियो मिलेगा अगर आप झेलोगे या आगे बढ़ोगे। तो ये एक वीडियो कंपैरिजन टेस्ट है बिटवीन द Redmi 5 एंड Redmi 4। आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो और क्योंकि मैं चल रहा हूँ अभी तो इसमें आप देख सकते हो जो पिक्चर है वो थोड़ा बहुत स्टेबल है, बैक कैमरा से थोड़ा ज्यादा स्टेबल है फ्रंट कैमरा, तो ये काफी अच्छा बात है। और एक्सपोजर का अंदाजा भी अभी आप लगा सकते हो और साथ ही साथ जो ऑडियो है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है इसके इंटरनल माइक्रोफोन से, तो आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हो ऑडियो क्वालिटी का। तो अब मैं आपको फोटो सैंपल दे देता हूँ कुछ जो मैंने इस दोनों फोन से लिए है। दोस्तों बात करें इन दोनों के वीडियो क्वालिटी के बारे में तो इन दोनों का वीडियो क्वालिटी इतना कुछ खास नहीं है, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, मगर इस प्राइस में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मगर जो है मिला है आपको वो सही है, मगर आपको जो है ध्यान में रखना है कि आप जितना अपना हाथ कम हिलाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग का वक्त उतना ही आपका वीडियो अच्छा आएगा क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। और बात करें इनके फोटोग्राफी के बारे में तो आप अगर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में अच्छा लाइट में अगर फोटो लेते हो तो Redmi 4A बहुत अच्छा फोटो लेता है, जहाँ पर Redmi 5A ठीक ठाक फोटो लेता है उतना कुछ खास नहीं है और Redmi 4 से क्वालिटी काफ़ी गंदा है। और बात करें इंडोर लाइटिंग कंडीशन में तो यहाँ बाजी पूरा पलट जाता है, यहाँ पर Redmi 5A काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है Redmi 4 से। तो Redmi 4 जो है वो स्ट्रगल करता है फोटो लेने में इंडोर लाइटिंग कंडीशन में और साथ ही साथ उसमें आपको ग्रेन भी दिखेंगे, मगर Redmi 5 का फोटो जो है वो काफ़ी अच्छा आता है और जूम इन भी करोगे तो आपको ग्रेन्स बहुत कम दिखेंगे। और बात करें लो लाइट का तो लो लाइट में दोनों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं फोटो लेते वक्त और दोनों में ग्रेन्स काफ़ी आपको ज़्यादा दिखेगा, मगर Redmi 4 थोड़ा बेटर है Redmi 5 से। मगर बात करें इंडोर लाइटिंग कंडीशन में तो इसमें Redmi 5A Redmi 4 से एक कदम आगे निकल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।